हे गाइस, ये वीडियो मैं ओम के करंट अपडेट देने के लिए बना रही हूँ। आज है 9 जुलाई और आज मैं ओम को लेकर निकल रही हूँ मुंबई। फाइनली आप लोग के हेल्प से, आप लोगों ने इतना ज़्यादा डोनेट किया है, इस वजह से मुझे इतनी हिम्मत अब मिल चुकी है कि मैं इसको बाहर ले जाऊँ। आपने लास्ट वीडियो देखी थी, ओम बहुत, उसका दिल है, उसका विश्वास क्योंकि यहाँ टूट रहा है पटना में। उसको ऐसा लगता है कि वो एक साल में भी ठीक नहीं हो पाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके दिल में हैं, जो मैं नहीं चाहती थी कि उसका विश्वास टूटे, क्योंकि अगर एक बार उसका विश्वास टूट गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर वो पटना रहे, दिल्ली रहे, चाहे मुंबई, वो कहीं ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए, और वैसे भी हमें भी डाउट्स थे यहाँ के इलाज को लेकर के। डॉक्टर्स भी यहाँ पे, उन्होंने भी कहा था कि बेहतर ही ट्रीटमेंट के लिए आप बाहर ले जा सकते, बट पैसों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं था, बट एट लास्ट अभी भी कोई जाने वाला नहीं है। आई एम गोइंग अलोन, मैं अकेले लेकर जा रही हूँ ओम को एक नई सिटी, एक नए शहर जहाँ का मुझे कुछ पता नहीं है। तो इसलिए जो भी है मुंबई वाले जो देख रहे हैं, तो मैं अपने भाई को लेकर के आज निकल रही हूँ। 2 दिन बाद मुंबई पहुँच जाऊँगी मैं, तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ही मैं लेकर जा रही हूँ, सो प्लीज़ 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं अकेले आ रही हूँ अपने भाई को लेकर के, काफ़ी परेशानी में आ रही हूँ। आप लोग मदद कीजिएगा वहाँ पर, जो भी अभी इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट में भी लिखा था मुझे वीडियो के कि हम लोग का ऑलरेडी, मेरी माँ का इलाज हो रहा है, किसी के पापा का इलाज हो रहा है, तो अगर आप लोग वहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अकेले हूँ, कहाँ कहाँ हैंडल करूँगी कुछ नहीं पता। रूम भी देखना होगा उसको अच्छे से, बच्चे को भी देखना होगा मुझे, फिर साथ में ओपीडी में लाइन लगाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें जो लोग समझ सकते हैं, जिसने बच्चे को इलाज कराया हो, किसी का भी पेरेंट्स या फिर कभी भी कोई बीमार रहा हो, तो पता होगा आपको कितनी सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। और अभी बस आप लोग का जो साथ है ना, इसलिए मैं ले जा पा रही हूँ, अदरवाइज़ क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है अभी। दूसरी बड़ी चीज़ आप लोग से मैं कहना चाहूँगी, मुझे लास्ट वीडियो जो मैंने डाला है, जोलो चिपका, अपने दोस्तों के साथ मैं गई थी, जब मैं घर पर थी 17 अप्रैल 2021 को, उस टाइम ओम का तबीयत वगैरह कुछ ख़राब नहीं था, इट वॉज़ एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। 17 अप्रैल 2021 को मैं गई थी घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ, जहाँ पर हम लोगों ने जोलो चिप कॉम्पिटिशन किया था। आप लोग देख सकते हो, वीडियो अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसमें मुझे ढेरों कमेंट्स आए हैं, मतलब क्या ही बोलूँ। और मोस्ट ऑफ द ट्रोलर्स जो है, ट्रोल कर रहे सपोर्टर्स तो जान रहे हैं कि क्या है सिचुएशन, नहीं है ठीक है। ट्रोलर्स ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं अभी आप कुछ कुछ का जवाब मैं यहाँ देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये लोग क्या सोचकर कमेंट कर देते हैं ऐसा। किसी ने कहा है कि भाई बीमार है, बहन घूम रही है। लिटरली यार, मैंने देखो, हाँ 17 अप्रैल का वीडियो है वो, उसे मेरे भाई को ऐसा कुछ था भी नहीं ठीक है। उनको, उन्होंने देखा कि लास्ट वीडियो जो, मतलब सेकंड लास्ट वीडियो जो था मेरे भाई का, उसमें मैंने डोनेशन के लिए हेल्प मांगी है, फंड रेजिंग के लिए वो वीडियो बनाया था मैंने। एक तो उस पर भी मेरा पंगा हो गया एम्स वालों के साथ फिर से ठीक है, यही सब पंगों की वजह से मैंने डिस्चार्ज करा लिया कि चलो हटाओ, डिस्चार्ज करवा ही लेते हैं बच्चे को। डिस्चार्ज हो भी गया आप लोग के सपोर्ट से या फिर जो भी कहें, तो बात की बात है। बात रही ट्रोलर्स की, तो ठीक है, उनका एक ने कहा है क्या कि कितनी अनएजुकेटेड लड़की हो, ऐसे समय में कोई घूम कैसे सकता है, जिसका भाई इतना बीमार हो उसको वीडियो बनाने का टाइम कहाँ से मिल जाता होगा, व्लॉग बना रही है ये। तो भाई, अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं अगर नहीं बताऊंगी आप लोगों को, तो मेरा सपोर्ट करने वाला, मेरे लिए सोचने वाला, मेरे भाई के लिए सोचने वाला कौन है? मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे जो फैमिली वालों ने, सब ने तो हाथ खड़े कर लिए कि हम नहीं ले जा सकते, हम नहीं कर सकते। आज जो हो, मेरे सपोर्टर्स हैं जो कि मुझे सपोर्ट करें, जिनके दम पे आज मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि मैं अकेले ले जाने के लिए तैयार हूँ। एक ऐसी सिटी जो कि होता है ना कि पैसों की नगरी मुंबई बोली जाती है, लोग नाम सोच कर ही रूह कांप जाती है कि यार पता नहीं कैसा शहर होगा, बहुत बड़ा शहर, अनजाना शहर है। वैसे मैं एक बच्चे को घूमने के लिए नहीं, इलाज करवाने के लिए लेके जाने वाली हूँ, जो कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप में। सो हाउ कैन यू से दैट? एक ने मुझे कहा कि क्या कहते हैं, हमारे फैमिली में भी, हाँ 21 लोगों का तो ये भी डाउट्स है कि भाई ये इतना हंस कैसे सकती है, इतना मुस्कुरा कैसे सकती है। तो भाई, क्या आपके घर में यदि बच्चा बीमार रहता है, आप लोग खाना पीना छोड़ देते हो, काम करना छोड़ देते हो? व्लॉग इज माई करियर, ये मैंने एज ए करियर चूज़ किया है, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई घर की स्थिति देखते हुए छोड़ दी, बट अपनी करियर को तो नहीं छोड़ सकती ना, क्योंकि मेरा करियर ही मेरे फैमिली को आगे चलाएगा। आई एम द एल्डर सिस्टर, सबसे बड़ी मैं हूँ, आई एम 22 राइट नाउ, मेरा करियर अब शुरू ही हुआ है, बट अगर मेरे साथ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है, तो ना मैं उसको छोड़ सकती हूँ, ना मैं करियर को छोड़ सकती हूँ। दोनों चीज़ें मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम डूइंग माई वर्क। बट लोगों को उस पर भी दिक्कत है कि यार 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 हंस कैसे सकती है, ये इतना हंस हंस के ब्लॉग कैसे बना सकती है? क्यों, आप क्या चाहते हो कि मैं नहीं बनाऊँ वीडियोस? वीडियो नहीं बनाऊंगी, चैनल मेरा नीचे गिर जाएगा, तो आप दोगे मुझे पैसे? आप इलाज करवाओगे मेरे भाई का? 3 साल ओम का इलाज चलने वाला, 3 साल, 3 साल तक मैं रोज होकर के वीडियो बनाऊंगी, तो फिर आप ही लोग होंगे कहने वाले कि भाई अपने भाई का वीडियो दिखा दिखा के सिंपथी लूटती है, वो आप ही लोग होंगे। ट्रोलर्स की बात कर रही हूँ, सपोर्टर्स की नहीं। सपोर्टर्स ने भाई इतनी सपोर्ट दिखाई है मुझे,
एक का कमेंट ये भी आया था, बहुत लंबा चौड़ा कमेंट था, उसका भाई बीमार होगा, ऐसी बहुत सारी है, आपको दिख भी रही होंगी अगर मैंने लगाई होंगी तो, ऐसे इतनी कमेंट्स है। तो उसमें मेरे फ्रेंड्स लोगों ने जाकर जवाब दिया है कि क्या चाहते हो आप लोग, आप लोग क्या मेरा परिवार चला दोगे? आज जो इनकम आ रही है, जो फंड रेज हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यूट्यूब पे मैं पहले से थी। हाँ, एक और मैं बहुत ज़रूरी बात ये भी कहना चाहूँगी, इस चीज़ को पॉइंट टू बी नोटेड है कि मैंने शुरुआत से ओम की वीडियो बनाई है, जब ओम का थर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ था उस टाइम का, मैं इसको कहाँ कहाँ लेकर गई हूँ, किस हालात में लेकर आई हूँ, हर चीज़ का बनाने के बाद भी लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि आप अपने भाई के बारे में झूठ बोल रही हो, जिसके माँ रो के दिखाती है, बहन रो करके दिखाती है, हम कैसे मान लें? कभी बोलती हो कि मेरा बच्चा बीमार है, कभी तुम घूम करके दिखाती हो, कभी तुम हंस करके दिखाती हो, तो क्या चाहते हो आप लोग, रोती रहूँ मैं? अगर मैं ब्रेकडाउन हो जाऊँगी तो कौन संभालेगा मेरी फैमिली को? आप संभालोगे? नहीं संभालोगे, कोई नहीं संभालेगा। और मैं रोती रहूँगी, रो रो के ब्लॉग बनाऊँगी, देखोगे आप लोग? एक दिन देखोगे, दो दिन देखोगे? 3 साल की बात है, 3 साल, इट्स नॉट 1, 2, 3 days, नो। ये बहुत लंबा इलाज चलने वाला मेरे भाई का, देखोगे आप लोग? नहीं देखोगे, कोई नहीं देखना चाहता नेगेटिविटी। जहाँ ज़रूरत थी मैंने बनाया वीडियो का, और मैंने वीडियो बना दिया तब ना आपको पता चला मेरे भाई का तबीयत खराब है। नहीं बनाती तब कैसे पता चलता आपको कि मेरे भाई की तबीयत खराब है या नहीं है? नहीं पता चलता। तो इसलिए जब भी आप लोग कुछ कमेंट करते हो ना, थोड़ा सोच समझ के किया करो। एक तो सबसे ज़्यादा हंसी मुझे आ गई, मैं वाटर पार्क गई थी आज से वही 5 महीना पहले, गया का पूरा सीरीज होगा मेरा वीडियो का, उसका मैंने वीडियो का लिंक लगा दिया था कम्युनिटी पोस्ट में, फोटोज डाले हैं मैंने इंस्टाग्राम पे, देखा भी होगा। उसमें लोग कमेंट करते हैं कि भाई का बीमार है, बहन घूम रही है। अरे भाई साहब, वो 5 महीने पहले का वीडियो जाकर के पहले चैनल चेकआउट कर लो, सब कुछ कर लो, देख लो, उसके बाद कहो कैसी बहन है। आपने तो डायरेक्ट बहन के ये पे सवाल उठा दिया, वही बहन यहाँ 2 महीने से कर रही है, कूद रही है, फांद रही है, इधर उधर कर रही है। इवन आई एम, मतलब मेरा तबीयत खराब है अभी, गला पूरा ये किया हुआ है, मगर फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं यदि टूट जाऊँगी तो नहीं चलेगा, अकेले मुझे करना है यहाँ पर। सो प्लीज़, आप जो लोग भी सपोर्टर्स हैं उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं, आप लोग सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सपोर्टर्स के जब मैसेजेस आते हैं, बहुत बहुत दिल से खुशी मिलती है कि यार मेरे साथ आज मेरी एक बहुत बड़ी फैमिली है, आप लोग के दम पर आज मैं कहीं लेकर जा रही हूँ उसे, आप मेरी फैमिली की तरह हो, फैमिली से बढ़कर हो एक्चुअली, क्योंकि फैमिली वालों ने जहाँ साथ छोड़ा है आपने सपोर्ट किया है मेरे को। सो थैंक यू सो मच गाइज। और जो ट्रोलर्स हैं उनको क्या ही कहूँ भाई, डेट लिख दिया है, टाइम लिख दिया है, बट देन टू आपको दिक्कत है, किस बात की दिक्कत है भाई आपको? कि मैं हंस रही हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी, हूँ नहीं थी, और इधर घूम भी रही हूँ, तो क्या चाहते हो मैं दिन भर रोती रहूँ, अपने भाई को देख देख के रोती रहूँ, कैसे मेरी लाइफ चल जाएगी? कल को वो बच्चा मेरी वीडियो देखेगा, वो कितना डिप्रेशन में जाएगा, मेरे सारे ब्लॉग्स मेरा भाई देखता है, वो कितना डिप्रेशन में जाएगा कि मेरी बहन रो रही है, उसको और टेंशन होगा, वो है छोटा सा बच्चा बट उसकी सोच बहुत बड़ी है, कितना दुख होगा उसे ये जान करके कि मैं रो रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए। सेम ऑन यू ट्रोलर, सेम ऑन यू, कि ऐसे टाइम में आप लोग ऐसी बातों को लेकर ट्रोल कर रहे हो जो कि बेबुनियाद है बिल्कुल। और उनकी क्या बात हूँ, कुछ रिश्तेदार तो ऐसे भी हैं, बोलते हैं अरे वीडियो मत डालना अभी, क्यों पुरानी वीडियोस नहीं डालूंगी, आप लोग आओगे मेरी हेल्प करने के लिए? जो आज अर्निंग हो रही है उसी से इलाज हो रहा है ना उसका, आप लोग तो नहीं दे दोगे मेरे पैसे पुरानी वीडियोस का, मैं क्या करूँ? वो जो वीडियो थी जो जोलो चिप वाली, वो ओम का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो था उसके पहले आने वाली थी, लेकिन ओम का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न अचानक से होने लग गया, तो मैंने सोचा नहीं, उस वीडियो को होल्ड पे रखती हूँ, अभी इसको डालती हूँ। वो जो वीडियो मैंने इतनी मेहनत से शूट की, मेरे दोस्तों ने जी जान लगा दिया उस वीडियो को के लिए, नहीं डालूँ मैं उसको, किस लिए शूट किया था फिर मैंने, इतनी मेहनत क्यों की थी मैंने, इट वॉज़ माई मेहनत टू। सो प्लीज़, अगर आप लोग भी जो सपोर्टर्स हैं, ऐसे तो देखिए सपोर्टर्स का क्या कहूँ, वो लोग जितने कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को भी ट्रोल करने से पहले सोचा कीजिए थोड़ा सा, किस वक्त से वो गुजर रहे हैं, किस दौर से वो गुजर रहे हैं। आपसे ये भी कहनी थी कि लोग कहते हैं ना कि वीडियो बनाने का टाइम कैसे मिल जाता है, तो उसका जवाब भी मैं आपको दे ही देती हूँ। वीडियो को बनाने का टाइम मुझे इस तरह मिलता है कि जब मैं सुबह सुबह से लेकर रात तक तो ओम के पास रहती हूँ, मतलब 8 बजे तक, उसके बाद मैं रूम आती हूँ, 10 बजे से एडिटिंग करना शुरू करती हूँ, 6 बजे सुबह तक, कभी 4 बज जाते हैं, कभी 5 बज जाते हैं, उस टाइम तक मैं एडिट करती हूँ। और आपको पता है कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि मैं खाना पीना तक भूल जाती हूँ, दिन भर में 3 बार तो लोगों का होता है खाना खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट और लंच एंड डिनर, बट आपको पता है मेरा फर्स्ट ब्रेकफास्ट डिनर या फिर लंच जो भी कहो कितने बजे होता है? एक दिन ऐसा गया था कि 10:30 बजे रात को मैंने फर्स्ट फूड खाया था अपना, सोचिए। उस दिन मेरा वीडियो आया था ओम का, वही वाला जिसमें कि मैंने बोला था कि मैं रूम ढूंढ रही हूँ, मैंने रूम को भी यहाँ शिफ्ट किया है, सारी चीज़ें मैंने की, और इसमें मैं ये भूल गई कि उसका बिहाइंड द सीन ये भी था कि यार मुझे खाना भी खाना था, वो मेरे लिए ज़रूरत थी, मुझे भी भूख लगती है, बट मैंने लगा नहीं यार पहले वीडियो डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं डालूंगी तो लोग हेल्प कैसे करेंगे, मुझे मुंबई कैसे पहुँचाएंगे,
उन लोग से कॉन्टैक्ट मुझे कैसे मिलेगा, और उसी वीडियो की बदौलत मुझे इतने सारे ढेरों मैसेजेस आए कि हाँ मैम हम आपको हेल्प करेंगे. तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वीडियो. और हाँ, एक और बात ये भी है कि ब्लॉग को लोग सोचते हैं, अगर ब्लॉग में हम घूम रहे हैं तो लोगों को लगेगा कि यार क्या मस्त लाइफ, इट्स चिल मार्केट के ये लोग जिंदगी जी रहे हैं. नो, ब्लॉग करना इज नॉट घूमना. ब्लॉग को आज लोग एज ए करियर भी चला रहे हैं, और मेरा ये करियर है क्योंकि आगे मेरे को कोई जॉब मैं नहीं लेने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी बिजनेस, दिस इज माई करियर एंड आई हैव टू डू इट. किसी भी तरह कैसे करना है आई हैव नो आइडिया, लेकिन किसी भी हाल में मुझे काम करना होगा, तभी मुझे पैसे आएंगे, तभी मेरी इनकम होगी. और क्या ही कहूँ यार, मतलब ट्रोलर्स हद कर देते हैं, हद कर देते हैं, उनका हद का सीमा नहीं है. पता है जलन है कहीं ना कहीं कि अरे यार ये कर कैसे ले रही है, तो सोचिए कैसे कर ले रही हूँ. आप लोग को तो प्राउड फील करना चाहिए कि हर तरफ करते हुए भी आपको क्या लगता है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ देती हूँ, अपने भाई को छोड़कर क्या वीडियो एडिट करते रहती हूँ. जी नहीं, उस छोटे छोटे जो वक्त मिलता है ना उसमें अपना खाना पीना भूल करके तब काम करती हूँ. ऐसे होती है काम, इस तरह लगता है जी जान. एक वीडियो को एडिट करने में 6 घंटे लगते हैं, बड़े बड़े वीडियोज होते हैं, 1 घंटा का रिकॉर्डिंग काट काट के मुझे 10 मिनट करना पड़ता है, तब होता है काम. ब्लॉग्स जाकर देखो मेरे, आप कितनी मेहनत, हर एक चीज़ आपको दिखेगी. और जिनको नहीं दिख रही है तो सीरियसली उनके लिए मेरे पास सेम वर्ड भी उनके लिए छोटा है कि उनको शर्म आनी चाहिए.